हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लास्ट क्वेश्चन ये मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में एक लड़की स्पाई बनकर अपने एनिमी के घर में घुसकर उसका घर बर्बाद करने का और उसे मार डालने का प्लान बनाती है। ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी है, बहुत सारे डांस के साथ हमेशा हमारी सीट की एज पर ही मूवी रखने वाली है। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें शंघाई दिखाया जाता है। 1942 का टाइम है, जापानीज लोगों ने शंघाई को अपने कब्जे में ले लिया है। इस वक्त बहुत सारा चाइना जापानीज के हाथों में था। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है चिया, ये हमें दिखती है। चिया कुछ हाउसवाइफ्स के साथ बोर्ड गेम खेल रही होती है, या एक जुआ का गेम होता है। ये सब हाउसवाइफ्स अलग अलग रेस्टोरेंट अलग अलग जगह की बातें करती है। इसके बाद हमारा और एक मेन कैरेक्टर हम देखते हैं जिसका नाम है मिस्टर यी। मिस्टर यी चाइनीज है पर फिर भी ये जापानीज लोगों के लिए काम करता है। जापानीज लोगों की स्पाई डिविजन में बहुत ही बड़े पोस्ट पर ये है। थोड़ी देर में ही हमें घर आता हुआ दिखता है। ये जब अपनी वाइफ के पास आता है तो सब लोग डायमंड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये की वाइफ को बड़ा सा डायमंड चाहिए था जो ये ने उसे बाय कर भी दिया था, पर उसके लिए वो बहुत ही बड़ा था। ये फिर वहां से एक्सक्यूज लेकर निकल पड़ता है और वोंग भी जल्दी से वहां से निकलती है। वोंग फिर हमें डायरेक्टली सिटी में आई है ये दिखता है। वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहां थोड़ा सा वेट करती है। उसे आज लग रहा होता है कि उस पर सब लोग नजर रख रहे है। ये रेस्टोरेंट में एक फोन मांगती है। दूसरे लाइन पर उसे हेल्प करने वाले कुछ लोग है तो जरा डर डर कर ही बोलती है। इसके बाद ये सीन यही खत्म हो जाता है और हमें अब फ्लैशबैक दिखाया जाएगा। अब 4 साल पहले का हम सीन देखते हैं और बहुत सारे लोग अपना शहर छोड़कर जा रहे हैं। ये सब जापानीज लोगों की वजह से ही हो रहा है। चाइना भी अपने बहुत सारे सोल्जर्स उन्हें मारने के लिए भेज रही है। यहाँ पर हमें चिया और उसकी एक फ्रेंड लाई दिखती है। चिया की फ्रेंड लाई उसे पूछती है कि तुम्हारे फादर तो इंग्लैंड में है, वहाँ तुम सेफ हो सकती हो, तुम वहाँ क्यों नहीं जाती। चिया कहती है कि मेरे फादर मुझे छोड़कर चले गए है। मदर के गुजर जाने के बाद उन्होंने कहा था कि वो मुझे लेने के लिए आएंगे पर वो अभी तक नहीं आए। जिया और लाय अब दोनों हांगकांग जाने वाली है। वाय हांगकांग जाने के लिए एक्साइटेड है क्योंकि वहां से और भी प्रोग्रेस करेगी और पूरा वर्ल्ड उसे देखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि लाय और जिया ये दोनों हांगकांग यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। ये दोनों बात कर रही होती है तभी हमारा और एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम होता है क्वांग, ये इंट्रोड्यूस होता है। क्वांग भी इनके कॉलेज में पढ़ता है और वो ड्रामा के लिए इन्हें इनरोल करने के लिए कहता है। जापानीज लोग इन पर राज कर रहे हैं ये क्वांग को अच्छा नहीं लगता, इसके लिए वो ड्रामा कर सब लोगों में आग भड़काना चाहता है। इसे एक्ट्रेस की जरूरत है इसीलिए लाय और चिया इन दोनों को इनवाइट करता है। रात में हम देखते हैं कि लाय और चिया दोनों बात कर रही होती है। लाय कहती है कि क्वांग को आर्मी में ज्वाइन करना था पर उसकी फैमिली ने उसे करने नहीं दिया, इसी वजह से ये सब चीजें वो करता है। लाय को क्वांग पसंद है और वो भी नहीं जाती कि क्वांग आर्मी में जाए। दूसरे दिन सुबह वोंग को एक लेटर आता है जो उसके फादर का होता है। उसके फादर ने लंदन में शादी कर ली है और वो अपनी लाइफ हैप्पीली जी रहे हैं। उस दिन वोंग थिएटर में जाती है और मूवी देखते देखते रोती है। अब इनके ड्रामा का डे आता है। इनके ड्रामा में एक सोल्जर मर गया है और उसके मरने की खबर घर जाती है। ये बहुत इमोशनल ड्रामा होता है तो इसी वजह से सब लोग रोने लग जाते हैं। लोगों में इन्हें आग भड़कानी थी तो इनका मिशन अब सक्सेसफुल हो चुका है। इसे सेलिब्रेट करने के लिए वो बाहर जाते हैं, डिनर करते हैं। ये सब बहुत ही खुश होते हैं। घर जाने के लिए जब वे बस में बैठते हैं तब क्वांग हमें चिया के पास आया हुआ है ये दिखता है। वो चिया को आकर थैंक यू कहता है। चिया उससे पूछती है कि तुम मुझे थैंक यू क्यों कह रहे हो, पर क्वांग सिर्फ हंस देता है। इन दोनों में फर्स्ट मीटिंग से ही अट्रैक्शन हो रहा था। सब लोग उनके ड्रामा के नेक्स्ट प्लान के लिए एक्साइटेड होते हैं, पर नेक्स्ट दिन जब ये मिलते हैं तो क्वांग उन्हें और कुछ चीज समझाता है। वो कहता है कि मेरे ब्रदर का एक फ्रेंड है जो हांगकांग में काम करता है, एक बड़ा सा कोलैबोरेटर है जिसके लिए हायरिंग का वो काम करता है। हमने मूवी के फर्स्ट में ही को देखा है और जो बहुत ही बड़ा स्पाई बन चुका था। ये चीज 4 साल बाद की थी पर अब ही एक कोलैबोरेटर है। इन सबको लगता है कि ही एक गद्दार है और उससे बदला इन्हें लेना चाहिए। क्वांग सबको समझाता है हम ड्रामा वगैरह सब कुछ कर सकते हैं पर हम अगर सचमुच में किसी को मार डालेंगे, किसी ट्रेटर को मारेंगे तभी हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तभी हम आजादी के लिए कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा हेसिटेट होकर सब फ्रेंड्स चिया और लाय ये सब इस काम के लिए अब मान जाती है। रात में क्वांग के फ्रेंड से ये सब मिलते हैं। क्वांग का फ्रेंड ही से इंट्रोड्यूस कराने के लिए बहुत सारे पैसे मांगता है, ये उसे पैसे दे भी देते हैं। अब इनके सब पैसे चले जा चुके हैं तो इन्हें फाइनेंशियल बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है, पर इनका फ्रेंड एक बहुत ही रिच है, ये इनके लिए अलग सा घर देखता है जहाँ पर ये सब रह सके और इस ऑपरेशन को संभाल सके। इसे जान पहचान करने के लिए चिया और उसका एक फ्रेंड ये दोनों प्रिटेंड करने वाले होते हैं कि वो हस्बैंड वाइफ है। इनका प्लान होता है कि यी की वाइफ से ये दोस्ती कर लेंगे और इसकी वजह से इनके यी का सब रूटीन वगैरह उन्हें पता चल जाएगा, इसके बाद यी को ये मार सकते हैं।
ए की वाइफ और वो अभी अभी इस टाउन में मूव हुए हैं, तो इन्हें इस शहर में सब दिखाने के लिए हेल्प चाहिए। ये हेल्प अब चिया करने वाली है। क्वांग का जो फ्रेंड था, ये चिया को यी और उसकी वाइफ से इंट्रोड्यूस करा देता है। चिया, क्वांग, उनके फ्रेंड सब डरे हुए होते हैं क्योंकि पहली बार ये काम कर रहे हैं, पर फिर भी टेंशन में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। चिया यी की वाइफ से मिलती है और आज पूरा उसे टाउन घुमाने वाली होती है। ये दोनों बात करने लग जाती है और चिया और यी की वाइफ ये दोनों एक ही गाँव से है। इन दोनों में जल्दी अच्छे से बॉन्डिंग भी हो जाती है। रात में चिया, क्वांग, उनके सब फ्रेंड्स मिलते हैं तो सब डिस्कस करते हैं ई के आसपास क्या क्या सिक्योरिटी होती है, इस सब की डिटेल्स वो निकालने लग जाते हैं। चिया को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता तो वहां से वो चली जाती है। लाइव ही उसके पास आती है। लाइव से पूछती है कि मिस्टर ई कैसे थे। चिया कहती है कि मैंने जैसा इमेजिन किया था वैसा वो नहीं है। ई की वाइफ ने चिया को अपने घर पर बुलाया होता है और यहाँ पर ये जुए का गेम खेलते हैं। अच्छी सी ये फ्रेंड्स बन जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब फ्रेंड्स टारगेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन सब के पास गन है पर ये सही से टारगेट हिट नहीं कर पा रहे। जो अमीर फ्रेंड है ये फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है क्योंकि बहुत सारे पैसे खर्च कर रहा है पर फिर भी कोई भी सही से काम नहीं कर पा रहा। क्वांग इस पर थोड़ा सा चिढ़ता है और कहता है कि क्या हुआ अगर हम सही से टारगेट हिट नहीं कर पा रहे, ये हमारा फर्स्ट टाइम है। अगर सचमुच में हम ये कर नहीं पा रहे होंगे तो मैं खुद जाऊंगा और उसे मार कर आऊंगा, मुझे ऐसे किसी की भी जरूरत नहीं है। ये अमीर फ्रेंड भी सुनकर अब चुप हो जाता है। नेक्स्ट डे जब चिया यी की वाइफ से मिलने के लिए आती है तब बाहर ही बारिश होने लग जाती है। यहाँ पर ये भी होता है तो अपना छाता उसे देता है। ये दोनों घर में आते हैं। चिया यी की वाइफ से बातें करने लग जाती है। आज यी की वाइफ को जुआ खेलना है पर उसके पास उसकी और एक फ्रेंड नहीं आई हुई। ये चार लोगों का गेम है तो ये खेल नहीं पा रही। यी को जाते हुए उसकी वाइफ देखती है तो उसे इन्वाइट कर लेती है, उसे उनके साथ खेलने के लिए कहती है। ये जब गेम खेलने के लिए बैठते हैं तब ई की वाइफ चिया से कहती है कि मेरे हस्बैंड के लिए मुझे एक सूट सिलवाना है। चिया कहती है कि एक बहुत ही अच्छा टेलर है जिसके पास मैं तुम्हें लेकर जा सकती हूँ, तुम मुझे कॉल करना और हम चलेंगे। चिया फिर एक कागज लेती है और उसका नंबर लिखने लग जाती है। ई की वाइफ के पास नंबर है पर चिया इस तरह से नंबर रखती है कि ये नंबर देख सके। चिया को लगता है कि अगर ये उसमें इंटरेस्टेड होगा तो उसे जरूर कॉल करेगा और ऐसा ही अगले दिन होता है। चिया फिर ई के लिए एक सूट बाय करती है और उसे न्यू फैशन भी सिखाती है। चिया ने अपने लिए भी एक ड्रेस बाय किया होता है जो ट्राई करने के लिए अंदर जाती है तभी ई उस टेलर से बातें करने लग जाता है। टेलर से कहता है कि चिया तुम्हारी बहुत ही अच्छी कस्टमर होंगी। एक सेकंड हमें लगता है कि टेलर अब सच बता सकता है पर चिया के फ्रेंड ने ऑलरेडी उसे बता दिया होता है कि उसे क्या करना है। ये टेलर भी हाँ में हाँ मिलाता है। इसके बाद ई अपने अपॉइंटमेंट जरा कैंसिल कर देता है क्योंकि वो चिया के साथ डिनर करना चाहता है। चिया को इंसिस्ट करता है और एक जगह पर लेकर आता है। डिनर की जगह पर ही चिया से कहता है कि हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया। चिया कहती है कि मेरे हस्बैंड हमेशा बाहर जाते रहते हैं, मैं घर पर अकेली होती हूँ तो मुझे कंपनी देने के लिए अपने फ्रेंड्स को भेज देते हैं। मैं बहुत ही बोर हो रही थी पर आपका कॉल आया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चिया कभी कभी अकेली होती है तो मूवीज के लिए चली जाती है। उसके हस्बैंड को मूवीज में जाना अच्छा नहीं लगता। ही कहता है कि मुझे भी थिएटर जाना अच्छा नहीं लगता, अंधेरा उसे सही नहीं लगता। ई जो है ये बहुत स्मार्ट है, अंधेरे में अगर वो जाएगा तो दुश्मन को देख नहीं पाएगा, उसे कोई भी अंधेरे में मार सकता है, इसीलिए वो कभी भी थिएटर नहीं जाता। चिया भी उसे थिएटर इसी वजह से लेकर जाना चाहती है क्योंकि उसे मारना वहाँ जरा आसान होगा। ई फिर चिया के हस्बैंड के बारे में पूछता है कि वो करता क्या है। चिया भी सब कुछ कह देती है पर कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड में ही जरा ज्यादा इंटरेस्टेड हो, क्यों तुम उसके साथ ही डिनर नहीं करते। चिया नाराज होकर कहती है कि तुम सब लोग सिर्फ औरतों से छोटी छोटी बातें ही करते हो, जरा इम्पोर्टेंट बात है तुम मर्दों से ही करते हो। ई कहता है कि हमेशा से मैं अलग अलग लोगों से मिलता हूँ, वहाँ पर मुझे बहुत ही फॉर्मल बातें करनी पड़ती है पर यहाँ तुम्हारे साथ ये छोटी छोटी बातें मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पर ज्यादा कुछ लोग नहीं है तो चिया उसे इस बारे में पूछती है। ये उसे कहता है कि इस जगह पर बहुत ही घटिया फूड मिलता है पर चिया से उसे बातें करनी थी और साइलेंस चाहिए था, इसी वजह से उसने चिया को यहाँ लाया हुआ है, ये सब वो चिया को कहता है। ये चिया से कहता है कि मैं जिन भी लोगों से मिलता हूँ उनसे तुम बहुत ही डिफरेंट हो। ये इसके बाद यहाँ से निकलते हैं और ये चिया से कहता है कि मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ई की और एक अपॉइंटमेंट है इसी वजह से चिया के साथ वो घर में नहीं आ सकता पर उसे डोर तक छोड़ने के लिए आता है। चिया उसे अंदर इन्वाइट करती है, कहती है कि अगर तुम्हारी अपॉइंटमेंट नहीं होती तब मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय वगैरह बनाती। वो उसे रिझाने की कोशिश करती है पर वो वहां से चला जाता है। अंदर घर में चिया के सब फ्रेंड्स वगैरह थे, ये सब ई को देखकर डर जाते हैं।
अगर ई को पता चल गया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है तो ई इन सब को मार सकता है। ई अंदर नहीं आता और वहां से चला जाता है। जब ये सब फ्रेंड्स बात कर रहे होते तो चिया कहती है कि वो मुझ में 100% इंटरेस्टेड है, वो मुझे जरूर फिर से कॉल करेगा। ई बहुत ही स्मार्ट है, इसी वजह से वो घर में नहीं आया। अगर उसे मुझे कहीं बाहर मिलना है तो उसकी जगह पर मुझे बुलाएगा। बात करते हुए सब फ्रेंड्स अचानक से वहां से उठ जाते हैं। अब लाई चिया से बात करने लग जाती है। लाई चिया से कहती है कि अगर तुम्हें ई के साथ इंटीमेट होना पड़े तब आदमियों के साथ तुम्हें कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन सब लोगों ने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था, इसी वजह से ऑकवर्ड होकर सब चले गए थे। इन सब फ्रेंड्स में जो अमीर है यही पहले किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुआ है, तो इसी वजह से लाई चिया को कह रही होती है कि उसे उस लड़के के साथ अब सोना पड़ेगा। रात होती है और ये अमीर लड़का आता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन चिया और उसके सब फ्रेंड्स वेट कर रहे होते हैं कि चिया को अब ई का कॉल आएगा। कॉल आता है पर ई की वाइफ दूसरी लाइन पर होती है। अचानक से ई का ट्रांसफर हो जाता है और उसे अलग सिटी में जाने पड़ने वाला है। चिया लास्ट बार ई से मिलना चाहती है पर ई की वाइफ उसे कुछ भी चांस नहीं देती ई से मिलने के लिए। चिया रोने लग जाती है, उसने जो सब किया था वो सब अब वेस्ट हो गया है। सब डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं पर अब वहां से चले जाने के लिए रेडी होते हैं। थोड़ी देर में क्वांग का फ्रेंड वहां जाता है। ये क्वांग का वही फ्रेंड है जिसने ई से इन सबको इंट्रोड्यूस करवाया था। इसे शक था कि ई के खिलाफ ये कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। ये घर में चिया को देखता है तो इसे पता चल जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा था। ये सब फिगर आउट कर लेता है और अब इन्हें ब्लैकमेल करने लग जाता है। ये क्वांग को कहता है कि मुझे पैसे चाहिए वरना मैं सब ई को बता दूंगा। क्वांग उसे समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो, पर वो मानने वाला नहीं। इनके पास उसे देने के लिए पैसे नहीं है तो इससे वो झगड़ने लग जाते हैं। झगड़े झगड़े में क्वांग के फ्रेंड को मार डालते हैं। ये मर्डर देखकर जिया बहुत ही डर जाती है और वहां से भाग जाती है। इसके बाद 3 साल गुजर जाते हैं और शंघाई हमें दिखाया जाता है। शंघाई में सब लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही खराब है और जिया भी इससे ही गुजर रही है। जिया का शंघाई में घर था पर उसकी आंट ने वो बेच दिया है। जिया यहाँ की यूनिवर्सिटी में जापनीज सीख रही होती है। वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है पर जैसा उसका चल रहा था वैसा वो रूटीन चलने देती है। पर एक दिन क्वांग उसे फिर से मिलने के लिए आता है। क्वांग उसे कहता है कि हम जो सब कर रहे थे हमने बहुत ही घटिया प्लानिंग की थी। हम जब ये सब कर रहे थे तब हम पर कोई नजर रख रहा था। चाइनीज लोगों की भी एक सीक्रेट सर्विस है जो इन पर हमेशा नजर रख रही थी। उन्हें भी लग रहा था ये सब सक्सेस हो जाए पर ये हो नहीं पाया। क्वांग फिर इन लोगों से मिला और उनके लिए काम करने लग गया। 3 साल तक यही वो करता रहा है। अब वो चिया से कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ये 3 साल पहले कोलैबोरेटर था पर अब उसका प्रमोशन हो चुका है। वो जापानी स्पाइस का बहुत ही बड़ा एजेंट बन चुका है। अब क्वांग चाहता है कि वो फिर से इसी मिले, फिर से जो सब वो कर रही थी वो से स्टार्ट कर दे। चिया भी इस काम के लिए फिर से रेडी हो जाती है। क्वांग क्वांग के बॉस के पास चिया को लेकर आता है। अब इनके पास अच्छा सा बजट है, सब चीजें वो सही से कर सकते हैं। क्वांग का बॉस चिया को सब डिटेल्स देता है, उसे एक स्टोरी बनाकर देता है जिसमें वो पिछले 3 साल में क्या कर रही थी इस सब के डिटेल्स होते हैं। चिया फिर थोड़े दिनों में रेडी हो जाती है और अपने फादर के लिए एक लेटर लिखती है। चिया के फादर उसे इंग्लैंड में फिर से बुलाने वाले थे पर अब ये मिशन वो करने वाली है तो उन्हें एक लेटर भेजना चाहती है। ये लेटर क्वांग का बॉस पढ़ता है और उसे जला देता है। एक्चुअल में इनका प्लान ये होता है कि चिया को मिशन हो जाने के बाद वो मार डालने वाले है। अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जहां पर ई रह रहा है उस होटल में चिया को भी रूम वो लेकर देते हैं। चिया ई की वाइफ से मिलती है और ये बातें करने लग जाती है। ई जब रात में घर पर आता है तो चिया से फिर से मिलता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। चिया ई की वाइफ के साथ गेम खेल रही होती है पर थोड़ी देर में वहां से निकल जाती है। वो अपने रूम तक आती है, उसका पीछा करते हुए ई भी आ जाता है। चिया ई को कहती है कि तुम्हारी वाइफ के लिए मैंने बहुत सारे प्रेजेंट लाए हैं पर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ला नहीं पाई। ये कहता है कि तुम यहाँ आई हो यही मेरे लिए इनफ है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेजेंट है। नेक्स्ट डे चिया क्वांग से मिलती है और ई के बारे में बहुत सारी डिटेल्स उसे दे देती है। नेक्स्ट दिन हम देखते हैं होटल के ब्रेकफास्ट टेबल पर ई उसकी वाइफ और चिया ये सब होते हैं। ई की वाइफ जब चिया से पूछती है कि उसका आज प्लान क्या है तो वो कहती है कि आज मैं मूवी देखने के लिए जाने वाली हूँ। ये सब ई सुन रहा होता है। जब चिया घर से बाहर निकलती है तभी उसके लिए एक कार भेजता है। ई का ड्राइवर चिया को एक जगह पर लेकर आता है। चिया फिर ई का इस रूम में वेट करती है पर ई वहां पर बैठा हुआ होता है। चिया उसे देखकर बहुत ही डर जाती है। चिया अब ई को रिझाने लग जाती है पर ई को ऐसे गेम्स खेलना अच्छा नहीं लगता। वो उसे जकड़ता है और फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। चिया को बहुत तकलीफ होती है पर ये सब वो सहन कर लेती है। चिया और ई आज मिले थे पर इसके बाद बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं। ई को एक मीटिंग थी और वो चला गया था। थोड़े दिनों बाद ई फिर से घर पर आता है, डायरेक्टली चिया के पास ही आता है। चिया उसे कहती है कि तुम्हें हेट करती हो।
ये कहता है कि मैं किसी पर भी बिलीव नहीं करता, पर मैं तुम पर बिलीव कर रहा हूँ। वो चिया के पास आता है और उसे हक करता है। चिया कहती है कि तुम मुझे छोड़कर इतने दिन चले गए थे, हर दिन मैं तुम्हें हेट कर रही थी। ये कहता है कि क्या तुम अब भी मुझे हेट कर रही हो। चिया कहती कि नहीं, अब मैं तुम्हें नहीं कर रही। चिया कहती है कि तुम बहुत ही अकेले हो। ये कहता है पर फिर भी मैं अभी तक जिंदा हूँ। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इस बार ये चिया के साथ फोर्सफुल नहीं है। नेक्स्ट डे थिएटर में क्वांग और चिया मिलते हैं, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो क्वांग कहता है कि हमारे बहुत सारे लोगों पर रेड पड़ी है, बहुत सारे लोग अरेस्ट हो चुके हैं। वो चिया को जल्दी से ही के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन निकालवाने के लिए कहता है। उसका रूटीन क्या है, वो क्या करता है, ये सब उसे मालूम करना है। ये बहुत ही बिजी होता है तो दिन दिन तक उससे नहीं मिलता। चिया रात में उसके पास आती है, उसे बहुत ही नाराज है। उसे कहती है क्या तुम्हारा कहीं अफेयर चल रहा है। ये उसे अश्योर करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी चिया के लिए सिटी में एक घर लेकर देने वाला है, जहाँ पर वो हमेशा चिया के पास रह सके। एक रात ये दोनों फिर से मिलते हैं। ये की मीटिंग चल रही थी और चिया को बहुत ही वेट करवाता है। चिया उस पर नाराज है, पर ये चिया से कहता है कि जब मैं मीटिंग में था तुम्हारे ही मैं याद कर रहा था। ये अब चिया से ऑब्सेस्ड हो चुका है। ये दोनों फिर से उस रात इंटीमेट हो जाते हैं। जो भी सब चल रहा है, चिया अब क्वांग के बॉस को सब कुछ कह देती है। क्वांग का बॉस भी प्रोग्रेस देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। चिया बॉस से कह रही होती है कि जल्द से जल्द अब यी को हमें मार देना चाहिए, पर बॉस इसके लिए मानने वाला नहीं। क्वांग को भी यही लगता है यी को अब मार डालना चाहिए। वो उसके बॉस पर चिढ़ जाता है। बॉस कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद चाहता हूँ कि इसमें जरा लेट हो। मेरी वाइफ को यी ने मार डाला था। यह पहली बार नहीं है कि यी के पास इन्होंने कोई लड़की भेजी थी, पर चिया इसमें सक्सेस हो रही है। बॉस कहता है कि हमें और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यी को मारने के लिए। चिया इस पर चिढ़ जाती है। वो कहती है कि यी हर रात मेरा शोषण करता है, उसे बहुत ही वायलेटेड महसूस होता है और ये अभी ज्यादा दिन कर नहीं सकती। बॉस ये सब सुनकर अनकम्फर्टेबल हो जाता है और वहां से चला जाता है। एक रात ही एक अलग से होटल में चिया को लेकर जाता है। यहाँ पर स्ट्रिप करने वाली और गाना गाने वाली औरतें हैं। चिया यी से कहती है कि क्या तुम मुझे भी उन लड़कियों की तरह ही समझते हो। यी कहता है कि ये बहुत ही सेफ जगह है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। चिया कहती है कि पर मैं तुम्हारे लिए गाना गा सकती हूँ। वो फिर उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल गाना गाती है। ये गाना सुनते सुनते ये रोने लग जाता है। ये कभी भी किसी को भी अपने इमोशंस नहीं दिखता, पर अब वो चिया के पैर में पड़ने लग जाता है। रात में वो चिया को एक इन्वेलप देता है और उसे कहता है कि इस आदमी से जाकर तुम मिलकर आओ। इस इन्वेलप के बारे में चिया क्वांग को कहती है। क्वांग और उसका बॉस उस लोकेशन पर सब लोगों को तैनात कर देते हैं। चिया नेक्स्ट दिन वहां पर पहुंचती है। हमने मूवी के फर्स्ट में देखा था कि चिया क्वांग से फोन पर बात कर रही थी, ये वही दिन है। चिया अब ही ने उसे जो लोकेशन दी थी उस लोकेशन पर पहुंचती है। ये एक शॉप होता है। चिया वहां एक आदमी से मिलती है और ये एक्टर अनुपम खेर जी ही है। चिया को बैठने के लिए कहते हैं और उसे डायमंड्स दिखाते हैं। सबसे प्योरेस्ट डायमंड यही ने चिया के लिए बाय किया होता है। चिया के लिए वो रिंग बनवाते हैं। चिया भी ये देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड होती है। ये रिंग बनवाने के लिए जरा टाइम लगने वाला है, इसलिए वो कॉफी शॉप पर आती है। ये थोड़े टाइम में उसे मिलने वाला है। क्वांग को यह सब वो बता देती है। क्वांग के आदमी वेपन लेकर डायमंड के शॉप में अब रेडी हो जाते हैं। ये फिर चिया से मिलता है। ये को कहीं और जाना होता है, पर चिया इसे कहती है कि हमारी रिंग रेडी हो चुकी होगी, हम उसे जाकर पहले देख कर आते हैं। ये दोनों ऊपर जाते हैं और चिया ये रिंग देखती है। ये को ये रिंग सिर्फ चिया के हाथ पर देखनी होती है। ये पूरी तरीके से चिया के पैर में पड़ चुका है। चिया को मालूम है कि ये मरने वाला है, पर उसे बहुत ही बुरा लगता है। ये अचानक से अपना माइंड चेंज कर देती है। ये को कह देती है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ये भी समझ जाता है कि उसके जान को खतरा है। जल्दी से भागता है और अपनी गाड़ी में घुस जाता है। क्वांग के आदमी कुछ भी कर नहीं पाते और ये यहाँ से भाग जाता है। रात में हम देखते हैं कि यी के आदमियों ने सब लोगों को अरेस्ट कर लिया है। चिया भी अरेस्ट हो चुकी है। यी के ऊपर के ऑफिसर्स को लग रहा था कि यी भी इन चाइनीज के ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, इसलिए उसे जरा इग्नोर कर रहे थे। अब यी ने ही इस सब को रिपोर्ट किया है तो उससे फिर से उनका ट्रस्ट आ जाता है। चिया के बारे में यी को सब फाइल्स वगैरह मिल जाती है और सब कुछ उसे पता चल जाता है। यी का आदमी उसे आकर कहता है कि चिया को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। यी को अगर मिलना होगा तो चिया से वो मिल सकता है, पर यी उसे मिलना नहीं चाहता। रात में चिया और उसके सब फ्रेंड्स को ये लोग माउंटेन पर लेकर जाते हैं, उन्हें वहां मार डालते हैं। चिया का सामान अचानक से होटल से ले जाया गया है। यी की वाइफ को भी पता चल जाता है। यी को रात में बहुत ही बुरा लगता है और चिया के रूम में आ जाता है। यहाँ आकर सब चीजों पर वो सोचने लगता है। यी की वाइफ भी वहां आती है, उसे पूछती है कि ये सब क्या था। यी कहता है कि प्लीज कुछ भी सवाल मत पूछो। उसकी वाइफ भी सब कुछ समझ जाती है और वहां से चली जाती है।
हमें मूवी में दिखाया गया था ए के और उसकी वाइफ के अच्छे से संबंध नहीं है। ये अकेला था और अकेला ही रह जाता है। चिया के बारे में अगर हम बात करें तो वैसे भी चाइना उसे यूज ही कर रहा था। उसका काम खत्म हो जाने के बाद उसे वो मार डालने वाले थे। पहली बार जब उसने मर्डर देखा था तो वो सहन नहीं कर पाई थी। उसके साथ ई ने बहुत सारी गलत चीजें की थी, वो ई को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। यह मूवी यही एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने में मत भूलिए। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।